हम लोग इसके पहले फंक्शनल ग्रुप में कर चुके थे कार्बोक्सिलिक है ना, फिर अल्कोहल, इथर, ये सब लोग बात कर चुके थे कार्बोक्सिलिक नेम आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ईस्टर ग्रुप। ये थोड़ा सा दिखता है किसके जैसा, ये दिखेगा कार्बोक्सिलिक जैसा। कार्बोक्सिलिक याद करिए क्या था आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच था। बेसिकली क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच था ऐसा। इसमें लोग क्या लगाते थे, ओइक लगाते थे और नाम के लास्ट में है ना, यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या रहेगा, इस हाइड्रोजन जगह पर आर रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, मतलब किधर रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर रहेगा क्या आपका आर। तो इस ग्रुप को लोग बोलेंगे ईस्टर ग्रुप। यहाँ पर आर भी हो सकता है, इधर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग बोल देंगे ईस्टर ग्रुप। तो इसके नाम में हम लोग क्या लगाएंगे, ओ एच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओ एच। जिस तरह से इसको हम लोग लगाते थे ओइक, इसी तरह से इसमें हम लगाएंगे क्या, ओ एच लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एच की जगह पर क्या रह जाएगा आर। आर मतलब कार्बन लगा हुआ है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन लगा रहेगा। इधर आर मतलब दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन लगा रहेगा, ठीक है। जैसे नाम लिखा जाए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखा जाए ऐसा, ठीक है, इधर मान लीजिए हम लोग एच लिख दिए आर ना लिख कर, ठीक। तो जो ऑक्सीजन के बाद जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा ऑक्सीजन के बाद, इधर देखिए, ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, पहले ईस्टर ग्रुप, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर आपका लगा हुआ है आर, तो ये हो गया आपका ईस्टर ग्रुप। तो इसका नाम हम लोग देखेंगे, ओ के बगल में पहले देखेंगे दो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, तो इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे इथाइल। इथाइल एक दो तीन चार पाँच, सी टू एच फाइव, सी टू एच सिक्स होता था तो इथेन, एक हाइड्रोजन गायब होता था इथाइल, तो इसका नाम हो गया आपका क्या, इथाइल। और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं क्या, इसका नाम लेंगे मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन, जिसका नाम ले लेंगे मीथेनोएट। व्हाट, मीथेनोएट। तो ये हो गया आपका इथाइल मीथेनोएट। ऑक्सीजन के बाद कार्बन नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे तो उसको हम लगाएंगे इथाइल, और बाकी जो कार्बन बच जाएगा उसके साथ क्या लगाएंगे, मीथेनोएट ओएट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी, और इधर मान लीजिए एक और सी लग गया, इधर मान लीजिए एक और सी लग गया, ठीक है। तो इधर देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तीन। ऑक्सीजन के बाद देखना है कि ऑक्सीजन के बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन है, देयर इज अ नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट व्हाट, कितने, वन टू थ्री, थ्री है ना, तो थ्री है आपका, तो क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपाइल, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात है, तो सी थ्री एच सेवन, मतलब हो जाएगा क्या आपका, प्रोपाइल, ठीक है। एक सेकेंड, फ्लाइट मोड में नहीं, क्या बात है यार, कॉल आ जाएगा, देखिए देखिए प्रोपाइल, तो ये हो गया आपका क्या, प्रोपाइल। और एक दो, दो कार्बन है इधर, इधर से आपका दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या हम लोग ले लेंगे, इसका नाम हम लोग लगाएंगे ओ एट, तो ओ एट का दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो क्या बोल देंगे हम लोग, इथेनोएट, ई हटाएंगे और ओ एट टी ई जोड़ देंगे, तो प्रोपाइल इथेनोएट, क्लियर, ठीक है। और चलते हैं, मान लिया जाए सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी, और इधर भी आपका सी सी है, ठीक है। तो इसका नाम लोग क्या लेंगे, इसका नाम लोग लेंगे दो कार्बन फिर से अगेन, इधर ऑक्सीजन के बाद, तो ऑक्सीजन के बाद दो कार्बन, तो इसका नाम ले लेंगे इथेन, सॉरी क्या ले लेंगे, इथाइल। दो कार्बन है ऑक्सीजन के बाद, तो इसका नाम लोग लेंगे इथाइल, और इधर आपका दो कार्बन इधर लगा हुआ है आपका इधर अगेन, तो इसका नाम हम लोग ले लेंगे क्या, इथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो इसमें क्या था, कुछ खास नहीं था, ओ ए टी जोड़ना था, कौन सा ग्रुप है आपका, ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की हम लोग बात करने जाते हैं, इसमें आप क्वेश्चन लिख लें और ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। वन टू, नेक्स्ट थ्री और फोर, ठीक है, क्वेश्चन इसको कर लेंगे। ये ऑक्सीजन पर है, बैक यहाँ पर है ना, समझ गए ना, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन कर लें आप, क्या करना है, फिर से बोल दे रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद जो आपका कार्बन है
उसको हम लोग क्या अलग करना है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ऐसा दो कार्बन है तो इथाइल हो गया, और बाकी जो है उसके पीछे देखें नंबर ऑफ कार्बन कितना एक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर दें मिथेनोएट कर दिए, ठीक है ना, ओएट लगा देना इधर साइड वाला जो बच जाएगा सो। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप के लोग चलते हैं, उस ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप का नाम है हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हैलाइड। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए मतलब ये कि जब तक सीखोगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ में आ गया बात। चलिए देखिए, तो हैलाइड जो है इसको हम डोनेट करते हैं एक्स से, ठीक है। एक्स क्या है आपका? ये हो सकता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमिनाइडीन, फ्लोरीन, ये सब आपका हो सकता है, ये सब आइटम हो सकता है आपका लगा हुआ, जैसे सी सी सी, और इधर आपका क्लोरीन लग गया, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सी एल जहां लगा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो, और बी आर लग रहेगा तो लिख बोलेंगे ब्रोमो, और आई रहेगा तो इसको हम बोल देंगे आइडो, आई एफ बोलेंगे तो फ्लोरो, ठीक है, नाम समझ गए। सी एल रहेगा तो क्लोरो, बी आर रहेगा तो ब्रोमो, और आई रहेगा तो आइडो, आई एफ रहेगा तो फ्लोरो, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखिए सी एल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से जल्दी क्लोरीन आ जाए, तो नंबरिंग करेंगे हम लोग यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 है तो क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूटेन, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। किस टाइप का है? जैसे मिथाइल इथाइल लगा होता था साइड चेन में, उसी तरह से साइड चेन की तरह ये काम करेगा, सी लग गया तो बोल देंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट सी सी सी, और यहाँ मान लीजिए सी लगा हुआ है, तो इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग इधर से 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 पर लगा हुआ है, देखिए 2 पर लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अगर यहाँ पर बी लगा होता तो क्या बोलते? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एफ रहता तो 2 फ्लोरो ब्यूटेन, आई रहता तो 2 आइडो ब्यूटेन। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से आप लोग जल्दी पहुंच जाए, समझ में आया बात क्या? ठीक है, क्लियर, ओके। अभी हम कम्बिनेशन लेके नहीं चल रहे, दो दो तीन तीनों का कम्बिनेशन वाला की बात करेंगे हम लोग अलग से, अभी फिलहाल हम लोग सिंगल सिंगल लेके चल रहे हैं कि एक क्लोरीन है कहीं कहीं पे 2 क्लोरीन आ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका हो सकता है कि एक क्लोरीन हो सकता है, फिर एक और साइड में सी कार्बन जुट सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे कर लेंगे देखिए, उसको कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे इधर सी लटक दिया, इधर आपका एक और लग गया क्लोरीन लग गया, इस टाइप का हो सकता है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका क्लोरीन पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग और एक्स्ट्रा बात करेंगे जब दो दो को लेकर चलेंगे। तो 2 पर क्या है आपका? 2 पर है क्लोरो, और 4 पर क्या है आपका? मिथाइल, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे जहां पर आपका ऐसा हो सकता है कि जो ए बी सी डी में पहले जो आ जाए ना, जैसे मान लिया जाए आप क्लोरो कर रहे हैं ब्रोमो कर रहे हैं, तो ब्रोमो में पहले आपका आ गया ब्रोमो बी वाला, तो उसको पहले हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्लोरो वाला था तो उसको क्लोरो को बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे ए बी सी डी के अनुसार। जैसे मान लीजिए मिथाइल है तो एम आपका बाद में आता है ए बी सी डी में, तो इसलिए नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? क्लोरो से करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, क्लियर, समझ गए बात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। सी एल है तो क्लोरो, बी आर है तो ब्रोमो, आई है तो आइडो, समझ गए ना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लंबा उसको खींचना नहीं है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, बी आर जोड़ देते हैं, फिर मान लीजिए आई जोड़ देते हैं, 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन नॉर्मल, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, लास्ट लास्ट एक और हम लोग बात कर लेंगे, एक और बात कर लेंगे एमीन का। अरे यार, एमीन ग्रुप, एक लास्ट बात कर लेंगे हम लोग एमीन ग्रुप, एमीन,
थायमीन कैसा है आपका? तो ये आपका RNH2 रहेगा, RNH2, N क्या आपका नाइट्रोजन, H2 है, ठीक है, क्लियर, RNH2, ये क्या आपका एमीन, इसके नाम में लास्ट हम लोग लगाते भी हैं एमीन, जैसे CCCNH2, अगर ये नाम है लिखने के लिए तो इसका नाम हम लिखेंगे, 1, 2, 3 है, तो 3 है तो लिखेंगे हम लोग प्रोपेन एमीन, ठीक है, ई हटाएंगे और जोड़ देंगे AMINE, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन, ठीक है, ई हटाएंगे और AMINE जोड़ लेंगे, ठीक है, क्लियर, कुछ खास नहीं है, इसको एमीन है तो एमीन के नाम पर ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, प्रोपेन एमीन ग्रुप हो गया, ये आपका फंक्शन ग्रुप है। नेक्स्ट हम लोग अगर इस टाइप का रहता है आपका एन है, इधर आपका एक CH3 है, ये देखिए कैसा था आपका कि NH2 है ना, तो इधर से आपका H था, इधर से भी H था, इधर से क्या लगा हुआ था आपका C लगा हुआ था, इस टाइप का दिख रहा था ना, C लगा हुआ, इधर से N है, इधर H है, इधर H है, राइट, तो इसमें भी क्या हो गया आपका CCC N है, उधर से CH3 लगा दिए, H की जगह क्या लग गया CH3 और इधर लगा दिए हम लोग H, ठीक है, क्लियर, तो ऐसे देखिए NH2 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, C भी कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर N पर क्या था आपका 2 हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन ना होकर यहाँ पर कार्बन लग सकता है, यहाँ भी कार्बन लग सकता है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आपका एमीन, N के साथ आपका देखें कितने कार्बन जुटा हुआ है, ठीक है, तो N के साथ देखिए कार्बन जुटा हुआ है, जिसका नाम कैसे लिखेंगे, जिसका नाम लिखेंगे N पर क्या लगा हुआ है CH3, N पर क्या लगा हुआ है CH3 लिखेंगे हम लोग, N पर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है CH3, क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल बोलते हैं भाई साहब, बोलते हैं ना, ठीक है, तो एन मिथाइल 1, 2, 3, एन मिथाइल प्रोपेन एमीन, एन मिथाइल प्रोपेन एमीन, ठीक है, एन मिथाइल प्रोपेन एमीन, ठीक है, एक होता है एमाइड ग्रुप, उसका हम लोग करेंगे, ठीक है, एन मिथाइल प्रोपेन एमीन हो गया, ठीक, नेक्स्ट और चलते हम लोग, मान लिया जाए कि आपका इधर है आपका N, एक और लग गया CH3, एक और लग गया CH3, तब हम लोग इसको क्या बात करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग N, 2 बार आया है, यहाँ देखिए N पर CH3 1 बार आया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा N, और डैश लिखेंगे, ये क्या था आपका मिथाइल है, तो N मिथाइल प्रोपेन एमीन, ठीक है, 3 को था कार्बन, तो इसलिए प्रोपेन लग गया, NH2 जहाँ भी देखेंगे कौन सा ग्रुप हो गया एमीन, तो यहाँ पर देखिए अब N पर क्या है 2 गो लगा हुआ है CH3 भी लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, तो N, 2 बार है, लिखेंगे फिर डाइमिथाइल, N, डाइमिथाइल 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन एमीन, ठीक है, ब्यूटेनामीन, या फिर 1 एमीन लिख सकते हैं, ठीक है, 1 एमीन लिख सकते हैं, ब्यूटेनामीन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर, N, तो इससे हम लोग अगर मान लीजिए इस ए लिखा हुआ रहे और ऊपर बनाने के लिए बोले क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या समझेंगे कि N, डाइमिथाइल, मतलब N पर ही 2 गो है CH3 और इसके इसके साइड में क्या लगा हुआ है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 4 गो बना लिए, समझ के बाद, जैसे मान लीजिए उल्टा आपको दे दे, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है N, डाइथाइल प्रोपेनामीन, मान लीजिए ये है और इसका बोला क्या स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या समझेंगे कि भाई N है, सेम है, इस पर क्या लगा हुआ है डाइमिथाइल है, तो डाइमिथाइल है मतलब क्या है, क्या कर लें हम लोग कि एक मान लीजिए नाइट्रोजन जोड़ लेंगे और N पर है, तो N पर क्या है डाइमिथाइल है, तो C2H5 इधर जोड़ लेंगे और इधर जोड़ लेंगे C2H5 क्योंकि डाइमिथाइल है, तो N, डाइमिथाइल 2 जगह बना लिए और फिर इधर से क्या जुटा हुआ है आपका प्रोपेन जुटा हुआ है, तो जोड़ लेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन जुट गया, 3 कार्बन, तो हो गया स्ट्रक्चर N, डाइमिथाइल प्रोपेन एमाइन, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इधर भी डिफरेंट रहे तो क्या करेंगे, है ना, यहाँ देखिए CH3 सेम था, यहाँ पर था आपका खाली क्या था CH3 था, तो हमने लिख लिए थे N मिथाइल प्रोपेन एमीन, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए CH3 और इधर लग जाए C2H5, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए CCC और N रहे और इधर है आपका CH3, इधर है आपका C2H5, ठीक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे N पर क्या था आपका भाई साहब N मिथाइल, N इथाइल,
एन पर ही क्या है मिथाइल है, एन पर ही क्या है इथाइल है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, एन मिथाइल एन इथाइल, ठीक है। और एक दो तीन, तीन है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन पी आर ओ पी ए एन ए एम आई एन ई, ठीक है, प्रोपेनामीन। समझ में आ गया, एन पर मिथाइल एन पर इथाइल प्रोपेनामीन, एन ए क्या था आपका एन कॉमा एन डाई मिथाइल, दो को था सेम सेम, जैसे डाई हो गया यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर भी सेम सेम था, एन कॉमा एन डाई मिथाइल डाई इथाइल हो गया, यहाँ पर क्या था डिफरेंट था, तो एन मिथाइल एन इथाइल। समझ गया कि एन पर भी मिथाइल है, एन पर क्या आपका इथाइल है, समझ गया बात। ओके, इतने भी तो बुड़बक नहीं है हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर ले, अच्छे हैं, ठीक है, जो आप बना के आओगे क्या। तो यहाँ लग गया आपका एन एच टू ए, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज सी 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 एन सी एच थ्री, और इधर लग गया आपका एच। ओके, नेक्स्ट सी 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 सी, और इधर आ गया आपका सी एस थ्री सी एस थ्री, फोर्थ नंबर सी सी एन सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है। नेक्स्ट सी 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 एन, इधर लग गया आपका सी टू एच फाइव, इधर लग गया आपका सी एस थ्री, फाइव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो तीन टाइप का हम लोग देख लिए, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला था आपका ईस्टर, जिसमें हम लोग ओ ए टी लगाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग नंबरिंग करते थे, ओ के बाद से, ओ के बाद जो था आपका उसको देखते थे कितने कार्बन है, तो दो कार्बन है तो लिख लेते थे हम लोग इथाइल। और इधर मान लीजिए कि ओ के इधर पहले वाला तीन कार्बन है, तो उसको हम लोग ले लेते थे प्रोपेनोएट, हो गया। दूसरा था आपका फ्लोरो आइडो क्लोरो, ये सब था, है ना। एक्स, एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलाइट। तो टू क्लोरो, मान लीजिए टू क्लोरो है, वन टू टू पर क्लोरीन लगा हुआ, टू क्लोरो, चार को है कार्बन चेन में, तो ब्यूटेन, ठीक। और मान लिया जाए नेक्स्ट है आपका कौन सा, कौन सा है एमीन ग्रुप, तो एमीन में हम लोग लास्ट में एमीन ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे सी 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 तीन कार्बन है और लगा हुआ आपका एन एच थ्री, तो तीन कार्बन तो प्रोपेन, ई हटाएंगे ए एम आई एन ई जोड़ देंगे, प्रोपेनामाइन, ठीक है, प्रोपेन एमीन एमीन प्रोपेनामाइन प्रोपेन एमीन, ठीक है, प्रोपेन एमीन प्रोपेन प्रोपेन एमीन, ठीक, क्लियर।